हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हमारे साथ हैं। सर, पोर्टफोलियो का लंबे समय से इंतजार था, आवंटन हो चुका है, किस तरह से इसको देखते हैं आप? ये मैं हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार जो बनी और पूरे मंत्रिमंडल का गठन हुआ और नया मंत्रिमंडल है, नई जिम्मेवारियों के साथ सभी मंत्री नई ऊर्जा के साथ काम करने वाले हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का जो मौका सभी मंत्रियों को मिला है वो अच्छे से इसको पूरा करें। सर, कैबिनेट में तमाम जो चेहरे हैं, युवाओं से लेकर तजुर्बेकार, सबका एक तरह से ये कहें कि संयोग बनाया गया है ताकि हर तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल सके, मंत्रालय भी उसी हिसाब से बांटे गए। ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं इसी प्रकार से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है और बड़ी सूझबूझ के साथ अच्छे मंथन के साथ सबको पूरी जिम्मेवारी दी है और सभी योग्य हैं, जिनको जिम्मेवारी नहीं मिली है वो भी योग्य हैं, उनको काम करने का मौका मिला है और वो अच्छे से काम को करें। बार बार एक सवाल कि विधानसभा सत्र की भी तारीख आ गई है लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना है, सरकार बहुत आगे चल रही है, विपक्ष बहुत पीछे चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं? ये विपक्ष की अपनी जिम्मेवारी है और विपक्ष ने कभी भी अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया है, वो कभी भी नहीं करते हैं, ये उनके स्वभाव में है, उनकी योग्यता ही इस प्रकार की है कि वो अपनी जिम्मेवारी को कभी पूरा करते ही नहीं। सर, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के बहुत पुराने नेता, पहले इस्तीफा देते हैं बाद में कहीं ना कहीं यूटर्न लेते हैं, क्या लगता है कि उनकी नाराजगी और उनका यूटर्न लेना कोई खास राजनीतिक कारण? ये कांग्रेस पार्टी वालों की अपनी राजनीति है, वो इस प्रकार से करते रहते हैं, एक ही परिवारों के झगड़े हैं उनके, वो करते रहते हैं इस प्रकार के। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, जिनका कहना है कि जो पोर्टफोलियो बांटे गए हैं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बांटे गए हैं और इस पोर्टफोलियो में किसी की नाराजगी नहीं है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूरत समाचार के लिए विनय सिंह। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हमारे साथ हैं। सर, पोर्टफोलियो का लंबे समय से इंतजार था, आवंटन हो चुका है, किस तरह से इसको देखते हैं आप? ये मैं हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार जो बनी और पूरे मंत्रिमंडल का गठन हुआ और नया मंत्रिमंडल है, नई जिम्मेवारियों के साथ सभी मंत्री नई ऊर्जा के साथ काम करने वाले हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का जो मौका सभी मंत्रियों को मिला है वो अच्छे से इसको पूरा करें। सर, कैबिनेट में तमाम जो चेहरे हैं, युवाओं से लेकर तजुर्बेकार, सबका एक तरह से ये कहें कि संयोग बनाया गया है ताकि हर तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल सके, मंत्रालय भी उसी हिसाब से बांटे गए। ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं इसी प्रकार से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है और बड़ी सूझबूझ के साथ अच्छे मंथन के साथ सबको पूरी जिम्मेवारी दी है और सभी योग्य हैं, जिनको जिम्मेवारी नहीं मिली है वो भी योग्य हैं, उनको काम करने का मौका मिला है और वो अच्छे से काम को करें। बार बार एक सवाल कि विधानसभा सत्र की भी तारीख आ गई है लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना है, सरकार बहुत आगे चल रही है, विपक्ष बहुत पीछे चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं? ये विपक्ष की अपनी जिम्मेवारी है और विपक्ष ने कभी भी अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया है, वो कभी भी नहीं करते हैं, ये उनके स्वभाव में है, उनकी योग्यता ही इस प्रकार की है कि वो अपनी जिम्मेवारी को कभी पूरा करते ही नहीं। सर, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के बहुत पुराने नेता, पहले इस्तीफा देते हैं बाद में कहीं ना कहीं यूटर्न लेते हैं, क्या लगता है कि उनकी नाराजगी और उनका यूटर्न लेना कोई खास राजनीतिक कारण? ये कांग्रेस पार्टी वालों की अपनी राजनीति है, वो इस प्रकार से करते रहते हैं, एक ही परिवारों के झगड़े हैं उनके, वो करते रहते हैं इस प्रकार के। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, जिनका कहना है कि जो पोर्टफोलियो बांटे गए हैं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बांटे गए हैं और इस पोर्टफोलियो में किसी की नाराजगी नहीं है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूरत समाचार के लिए विनय सिंह।